ये है हमारा रोड, छोटा सा बच्चा आ रहा है। ये बाहर से मंदिर ऐसा है और अंदर जाकर आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। थोड़ी सी मैंने एडजस्टमेंट करी है, बस आप देख सकते हैं मैंने अपना यहाँ पर रिकॉर्डिंग की है और अभी हम घर जा रहे हैं वापस। Hey guys, कैसे हैं आप सब? I hope you're doing well. आज संडे का दिन है और मैं अभी सोच रहा हूँ कि आप सबको अपने साथ मंदिर लेके जाता हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ मंदिर और आपको आज मंदिर दिखाऊंगा, अपने साईं मंदिर दिखाऊंगा। हमारे जो सिटी है ना, इसका एक बहुत ही एक स्पेशल मंदिर है। स्पेशल मतलब कि बहुत बड़ा है, ठीक है। इसमें अलग अलग तरह के काफ़ी 3-4 मंदिर हैं और ये बहुत ही सुंदर है, ठीक है। आप इसको बहुत पसंद करोगे, मैं गारंटी देता हूँ। बहुत ही सुंदर बना हुआ है, काफ़ी डेकोरेटिव सा है, इसका इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा सा है और आपको मंदिर लेके जाता हूँ, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे बाइक में, बाइक में इसलिए क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ। सच में बताऊँ तो अभी 11:30 बजने वाले हैं और 11:30 बजने वाले हैं, ऊपर आ रहा है ऊपर। तो अभी 11:30 बजने वाले, मैं बहुत लेट हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अभी करते हैं बाइक स्टार्ट, ठीक है। बाइक निकालते हैं पहले बाहर, ये मेरी बाइक आपको पता ही है लगी होती है, ठीक है। तो इसको बाहर निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं, चलते हैं मंदिर, मिलते हैं आपको मंदिर। तो चलिए दोस्तों, बाइक हो गई है स्टार्ट, चलते हैं अभी मंदिर, ठीक है। मैं अभी अकेला हूँ, इस वजह से थोड़ा सा रास्ते की वीडियो नहीं बना पाऊँगा, आपको मंदिर में मिलते हैं सीधा। ये है हमारा रोड, ठीक है। आपको मैंने इस रोड को काफ़ी बार दिखाया हुआ पहले, ठीक है। ये जो रोड है, अभी हम लेफ्ट टर्न करेंगे यहाँ से, थोड़ा थोड़ा दिखा दूँगा। कंस्ट्रक्शन हो रही है, आपको मैंने बताया ना, हमारी जो कॉलोनी है वो कुछ इतनी नई नहीं है, यहाँ पे कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है नी। तो अभी हमारे जो घर के पास ही, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि 5-5 कंस्ट्रक्शन चल रही है घर के पास ही सिर्फ। ये तो फिर हम दूसरे मंदिर में, ठीक है, चलते हैं। छोटा सा बच्चा आ रहा है, ये है हमारी कॉलोनी, अमीरों वाली कॉलोनी। तो लीजिए दोस्तों, हम आ गए हैं मंदिर, आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा मंदिर। ये बाहर से मंदिर ऐसा है और अंदर जाकर आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अंदर मंदिर में। ये रहा हमारा मंदिर, ये देखिए पूरा, देखिए साईं मंदिर है। वैसे ये मेन इसको साईं मंदिर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हर तरह के मंदिर आप मिले। साईं बाबा जी की मूर्ति, प्रणाम, ओम साईं राम। आप देखिए बहुत सुंदर है सच में, वो देखिए शतर चांदी का फूल हैं, गुलदस्ते लगे हुए हैं और ऊपर देखिए आपको इधर से दिखाता हूँ, ठीक है। इधर हम देखेंगे माता रानी जी का मंदिर, जय माता दी। और ये छोटे छोटे से कान्हा जी, ये देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर है सच में। माता रानी जी की फोटो, उनको चरण स्पर्श, जय माता दी। साइड में छोटा सा एक बजरंगबली जी का मंदिर, ठीक है, देखिए आप। और दूसरी साइड में इसके बिल्कुल ऑपोजिट है शनिदेव जी का मंदिर, शनिदेव जी का मंदिर, जय शनिदेव महाराज के, वो जय शनिदेव महाराज के। ये हमारे भोलेनाथ जी, शिव परिवार, भोलेनाथ जी शिवलिंग, ठीक है। तो ये भोलेनाथ जी, आज आई थिंक कुछ होगा इस वजह से कोई आया है और वो गणपति जी की पूजा कर लिया होगा, ठीक है। ये शिव परिवार, भोलेनाथ जी माँ पार्वती जी के साथ, गणेश जी महाराज, इधर आपको दिखाता हूँ। ये भोलेनाथ जी शिवलिंग, माँ पार्वती जी, नंदी जी, उधर गणेश जी महाराज, उधर कार्तिकेय जी और इनके चरण स्पर्श, चरण चरण कमल। बहुत ही सुंदर मंदिर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर लगभग आता ही हूँ। चलो भगवान जी ने जब तक बुलाते हैं तब तक आएंगे,
ठीक है। इधर का आपको कार्तिकीय जी दिखाता हूँ, ठीक है। भोलेनाथ जी, ये अपने लाल जी महाराज, सेवा गौ माता। आपको अगर कोई भी सेवा, ये अपने थोड़ी सी गुल्लक है जिसमें आपको गौ माता जी की है। ये कान्हा गौशाला है यहाँ की, ठीक है। कान्हा गौशाला है, आपको कुछ भी इसमें गौशाला को जो सेवा डालनी है आप इसमें डाल सकते हो। ये पेटी और ये मेरा डोलू है मैंने रख दिया है यहाँ पे पहले। और ये साईं मंदिर जी के, बाबा जी के चरण कमल, ये दान पात्र जो होता है, ये माता जी के दान पात्र। तो दोस्तों मुझे बताना ज़रूर आपका मंदिर कैसा लगा है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत सुंदर मंदिर है, ठीक है। अभी आपको ना थोड़ा टाइम पहले, कब था, नवरात्र में, हाँ नवरात्र में ये बहुत अच्छे सजावट की थी इसकी, इतनी अच्छी डेकोरेशन की थी ना, बल्ले ही बल्ले करा दी थी। ये साईं बाबा जी की बड़ी फ़ोटो, थोड़े से आपको परिक्रमा भी दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी पेंटिंग्स, कितनी अच्छी देखो चित्र है, यहाँ पे पिक्चर्स हैं। ये है राधा कृष्ण जी की और ये है राम जी की, राम दरबार है ना, राम दरबार। ये मैं अंदर आ गया परिक्रमा वाली साइड में, ठीक है। और वो देखिए टाइम देखिए आप, 12 बजने वाले हैं, मैं बहुत लेट हूँ आज। ये बाबा जी की आरती, श्री साईं राम बाबा जी की आरती, क्योंकि मेन ही जो मंदिर है वो साईं बाबा जी का मंदिर है। वो हमारे पंडित जी आ गए, हमारे पंडित जी आ गए। पंडित जी राम राम, क्या हाल चाल है, ठीक है। और हमारे पंडित जी आए हैं अभी 12 बजे, उन्होंने कुछ तैयारी करके आए हैं आज तक बाहर से, ठीक है जी। अभी पंडित जी आरती होगी, अब आरती होनी है, ठीक है जी। तो दोस्तों आपको पता है जैसे कि साईं बाबा जी की दिन में 4 बार आरती होती है, पंडित जी 4 बार होती है, 5 बार बाबा जी की आरती 4 बार होती है दिन में, 4 बार। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि साईं बाबा जी की आरती दिन में 4 बार होती है, तो अभी 12 बजने वाले हैं, आपको मैंने दिखाया भी है, इधर देखिए, इधर देखो 12 बज गए। तो पंडित जी आई थिंक बाहर से आरती का सामान लेके आए हैं और वो अभी आरती की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। तो आरती की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आरती होगी यहाँ पे। और ये जो स्पीकर है इस पे भजन चल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी कम वॉल्यूम है, पंजाबी वाले भजन। आंटी आए हैं और बहुत लेट में 12 बजे, तो सुबह सभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ पंडित जी अब आरती करने के लिए। Oh, yeah.
वगैरह चढ़ाते हैं, उसको पूरी सफाई कर दी है, काम देख सकते हो। कृपया साइड पे थोड़ा कर देते हैं, टेंट में थोड़ा लगेगा, उसे लगा अच्छा लगेगा। देखिए आप सारी सफाई कर दी है, ठीक है। और भोलेनाथ जी जय भोलेनाथ, नमस्कार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो चलिए फिर हम अभी प्रसाद लेते हैं पंडित जी से, तो चलते हैं यहाँ से। तो चलिए अभी हम प्रसाद लेते हैं पंडित जी से। तो चलिए दोस्तों अभी हम जा रहे हैं घर वापस। मुझे मिल गया प्रसाद, जिसमें मुझे मिला है नमकीन चावल, दो बिस्किट क्रीम वाले, चॉकलेट क्रीम वाले, और दो ये बर्फी के पेड़े, ठीक है जी। चल रहा है दोस्तों मेरा प्रसाद, और थोड़ा सा दिखाता हूँ मार्केट बाहर है। ठीक है दोस्तों, ये है बाहर का जो रोड वगैरह। आज दरअसल क्या है, आज है लास्ट संडे, और लास्ट संडे को हमारा जो होता है वो मार्केट बंद होता है। आई मीन कोई कोई दुकान खुलती है, जैसे वो बेकरी मूड देखो, वो दुकान खुली हुई है ये वाली, ये बेकरी की शॉप खुली हुई है, और ये सारी शॉप्स जो हैं वो बंद है, ये देखो। ठीक है जी, तो अभी हम चलते हैं घर वापस, करते हैं बाइक स्टार्ट। अभी मेरे को ना हाथ भी पकड़नी है और प्रसाद भी पकड़ना है, इस वजह से अभी घर रास्ते की वीडियो नहीं बना पाऊँगा, घर जाके मैं कहूँ। थोड़ी सी मैंने एडजस्टमेंट करी है, प्रसाद आप देख सकते हो मैंने अपना यहाँ पर रिकॉर्डिंग की हुई है, और अभी हम घर जा रहे हैं वापस। हमारा जो मेन रोड वो आ गया, कंस्ट्रक्शन लेफ्ट टर्न, आपको पता ही है हमारा घर इस गली में है। डॉगी भी आ गए दो, अभी एक बार और लेफ्ट टर्न लेंगे। आ गया हमारा घर, पहुँच गए अपने घर। ये मेरे मम्मा जी बाहर गेट पे वैसे धूप सेक रहे हैं, धूप की ली हुई थी भाई जी में। ओ सच, मम्मा तो कपड़े धो रहे हैं, ठीक है ठीक है, कपड़े धो रहे हैं, ओके जी ठीक है। अंदर अंदर सॉरी अंदर नहीं अंदर ये रहते हैं यहाँ अंदर ये शर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, आपसे मिलते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मंदिर अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको हमारा साईं मंदिर कैसा लगा है। वैसे तो बहुत खूबसूरत है, प्लीज़ आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा है। और अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और कमेंट करके बताना साईं मंदिर कैसा है, उसके लिए भी प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग्स देखने हैं, या फिर कुकिंग सीखनी है, अगर कुकिंग सीखनी है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने हैं, कंट्रीज़ के बारे में जानना है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स सर्कल को शेयर भी करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।